तो छोटा सा क्लिपिंग उसकी भी आ रही है जो रिकॉर्डिंग कर रहा था ना वो बंदा। हमें फर्स्ट हम लोग का स्कूल का लड़का था, हमें पहले तो पता नहीं था, लेकिन फिर बाद में सारे पूरा स्टाफ हमारे लिए हमारी सारी टीचर्स खड़ी थी, वो हमें चुन चुन के बाहर निकाल रही थी। उसके बाद फिर क्या बोला जा रहा था आपको? हमें बोला जा रहा था कि आप लोगों का नाम काट दिया गया तो आप साइड में खड़े हो जाइए। तब जब हम लोगों ने बोला तो हम लोगों के पेरेंट्स नहीं आए, तो हम लोगों ने बोला कि हम लोगों को पेरेंट्स को कॉल करना है। उन्होंने बोला हम आपको पेरेंट्स को कॉल नहीं करने दिया जा सकता क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं पहले से ही हैं, तो उसमें आपके पेरेंट्स भी आ गए होंगे। तो फिर हम लोग क्लास में घुसने दिया, हमें घुमा घुमा के फिर एहतास हम लोगों को लाइब्रेरी में बिठा दिया। उसके बाद फिर हमें 4 घंटे वहाँ पर बिठा दिया था और फिर 4 घंटे बाद हम लोगों को वापस हमारे पेरेंट्स के पास भेज दिया, ये बोल के कि आप लोगों को क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा। हम लोग 4 तारीख से यहाँ पे बाहर है और इस साल अभी नेक्स्ट मंथ से 1 मई से हमारे एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं। अगर हमारे कम मार्क्स आते हैं तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है, क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं पर हमारे स्कूल हमें पढ़ने नहीं देते। आपने प्रिंसिपल मैम से बात करने की कोशिश करी? हमारे पेरेंट्स ने की थी, प्रिंसिपल मैम से बात करने की कोशिश, लेकिन प्रिंसिपल मैम कह रही है कि आपको आपको हमारे हिसाब से फीस देनी पड़ेगी, नहीं तो आपके बच्चों को पैसे नहीं दिया जाएगा। रुचि जी, आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्कूल के बाहर बैठे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, किस वजह से इनके नाम काटे गए? सर, हम सब यहाँ पर बच्चों का नाम काट लिया गया, इस वजह से यहाँ पर पढ़ना है। हम लोगों ने मेरी बेटी 10th में है और भी बच्चे हैं, नर्सरी से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चे यहाँ खड़े हैं। इन बच्चों का ये कह के नाम काट दिया गया है कि इन्होंने पूरी फीस जमा नहीं करी है, जबकि हमने यूपी सरकार का जो अध्यादेश आया था उसके हिसाब से 69,000 पूरी जमा करी हुई है। हम इनसे कह रहे हैं आप हमें ये बता दो कि हमें कितनी जमा करनी है, सरकार के हिसाब से करनी है कि DIOs के हिसाब से करनी है, लेकिन इन्होंने हमें कोई भी चीज़ फाइनल करके बताई नहीं है। इन्होंने कहा जो हमने बताई है फीस आप वही जमा करिए, अगर आप वो नहीं जमा करेंगे तो हम बच्चों को अंदर नहीं लेंगे किसी भी तरीके से। पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, DM ऑर्डर आ गया है कि फीस की वजह से किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, स्कूल से निकाला नहीं जाएगा, TC नहीं दी जाएगी, उसको बेइज्जत नहीं किया जाएगा, बट स्कूल के लिए सरकारी आदेश का कोई मतलब नहीं है। स्कूल समझता है कि वो सभी सरकारी आदेशों से ऊपर है, खुलेआम कहते हैं कि हम जब तक आप फीस नहीं भरोगे तब तक नहीं आने लेंगे। साथ साथ में रोज़ बच्चे हम लोग बच्चों को लेकर के हम लोग यहाँ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन स्कूल के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। मेरा एक और अनुरोध है हमारे उपराष्ट्रपति जी से कि जो अभी 30 तारीख को एक कार्यक्रम में उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है, हमारे जयपुरिया स्कूल ने उनको, शिशु जयपुरिया जी ने उनको इन्वाइट किया है, मेरा उपराष्ट्रपति जी से ये अनुरोध है कि ऐसे स्कूल के उपाध्याय के कार्यक्रम में अध्यक्षता पता ही ना करें जो स्कूल बच्चों के भविष्य के साथ खेल सकता है, वो एथिकल एजुकेशन की कैसे बात कर सकता है? कितने बच्चे हैं जो जिनके नाम कटे गए? 49 बच्चे हैं। आपने अधिकारियों से बात की होगी, क्या कहना होता है उन सब अधिकारी? हम लोगों ने DM मैडम से भी बात करी, DM मैडम कहती है कि हमने मंजू राणा जी से बात करी है, मंजू राणा जी के ऊपर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट डिसाइड करके बताएगी। हमारी ये समझ में नहीं आता है कि DM ऑर्डर ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मंजू राणा या प्राइवेट बॉडी का मैनेजमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बड़े हैं या DM बड़ी हैं, प्रशासन बड़ा है या प्राइवेट लोग बड़े हैं? प्रशासन को इसलिए बिठाया जाता है कि वो अपनी बात को लोगों से मनवा सके। क्या लगता है स्कूल अपनी मनमानी लगातार कर रहा है? जी बिल्कुल, स्कूल मनमानी लगातार करता जा रहा है। हम लोगों के साथ साथ बच्चों का टेंशन बढ़ रहा है कि उनकी पढ़ाई कैसी होगी, बोर्ड एग्जाम से हम बहुत ज्यादा परेशान है कि बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं लगता है आपको बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जी हाँ बिल्कुल।